हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं अपने बैक का वर्कआउट। तो इस वर्कआउट में भी हम नॉर्मल डे से कुछ अलग एक्सरसाइज लगाएंगे। जैसे नॉर्मल डेज में हम रेगुलर एक्सरसाइज लगाते हैं, लेट पुट डाउन, उसके बाद बैक, और उसके बाद सिंगल हैंड डंबल, उसके बाद रोइंग। लेकिन आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे सिंगल हैंड डंबल से, यानी कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज हम लगाएंगे। बिकॉज जब भी एक ही एक्सरसाइज हम परफॉर्म करते रहते हैं तो उससे हमारी क्या होती है, बॉडी की जो मेंटेन है, यानी बॉडी उसके अकॉर्डिंग ही, उन एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग ही हमारी ढल जाती है, यानी उस एक्सरसाइज को करते करते उसके हैबिचुअल हो जाती है। तो हमें अपनी एक्सरसाइज को कुछ टाइम के लिए चेंज करना पड़ता है, यानी हमें कुछ अलग एक्सरसाइज से स्टार्ट करें ताकि जो हमारी बॉडी है एक एक्सरसाइज के लिए हैबिचुअल ना हो और हमारी जो शेप है काफ़ी अच्छी आए। तो आज के वर्कआउट में हम ट्रेन करेंगे हमारे बैक का वर्कआउट, और स्टार्ट करते हैं आज का वर्कआउट। और फिर वही बात कि मैं आपको याद दिला दूं कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ में बेल आइकन है इसे प्रेस जरूर कर दें, इससे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी कब मैंने नया वीडियो अपलोड कर दिया, आपको उस बारे में पता लग जाएगा। आप साथ ही साथ मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, उसके लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं, मेरी अपडेट वहाँ देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और कवर करते हैं अपना बैक का वर्कआउट। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और जैसा कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूँ कि जो भी एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं, जो भी मसल्स पार्ट की हमें एक्सरसाइज लगानी है, सबसे पहले उसका वार्म अप करेंगे। तो आज के लिए हम अपना बैक परफॉर्म कर रहे हैं, तो बैक के लिए हमें जो वार्म अप लगाना है वो लगाना है हमें चिनअप्स के। तो चिनअप्स के मैं आपको सेट परफॉर्म करके दिखा देता हूँ। पूरा स्ट्रेच कर लेना है अपनी बॉडी को नीचे की तरफ और फिर पूरा ऊपर। ये हमारी वार्म अप एक्सरसाइज हो गई। इसके भी आप 2 से 3 सेट जरूर लगा लें और अपनी रेपिटेशन रेंज आप जितनी आप रख सकते हैं आप मैक्स रखें अपनी। इससे हमारी स्ट्रेंथ और जो वार्म अप है वो और अच्छे से हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको इंट्रो में बता दिया था कि हम स्टार्ट करेंगे आज हमारी सिंगल हैंड डंबल से, जो हम लगाते हैं बैक के लिए। तो आप स्टार्टिंग में एक नॉर्मल वेट ले लें, जो भी आप अच्छे तरीके से कर सकते हो। उसके बाद जो हमारा एक पैर आगे और एक पैर जरा सा उससे पीछे, और हमारी अपर बॉडी है वो आगे की तरफ झुकी हुई होनी चाहिए, और डंबल जो है हमारा वो पूरा स्ट्रेच, जो हमारी बैक है पूरी स्ट्रेच हो। उसके बाद हमें स्लोली इसको ऊपर लेना है और पूरे बैक को नीचे स्ट्रेच करना है। स्लो ऊपर, स्ट्रो नीचे। काफ़ी बंदों को इनमें कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें वेट आगे लेना है या पीछे की साइड लेना है। मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, जब लाइट वेट होता है तो आप आगे की तरफ इसे ले सकते हैं, लेकिन जितना आप हैवी वेट लेंगे तो आप इसे आगे की तरफ नहीं कर पाएंगे। तो आप स्टार्टिंग से इसको पूरा नीचे की तरफ स्ट्रेट स्ट्रेच करें और ऐसे एक्सरसाइज परफॉर्म करें। काफ़ी बंदे इस एक्सरसाइज को आगे की तरफ परफॉर्म करते हैं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप इसको आगे की तरफ ही परफॉर्म करें। इस टाइप से भी इसके अदर साइड। तो गाइस, ये होगी हमारी एक्सरसाइज नंबर 1। अब इसके बाद करेंगे हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2, जिसमें करेंगे हम अपनी दीवार। तो इसके लिए जो सबसे मेन बात है वो है हमारी पोजीशन। इसके लिए हमें हमारे हाथों को ऊपर और नीचे की साइड बिल्कुल पकड़ के, और पहले हमें जो पूरा सीधे खड़े हो जाना है, उसके बाद जरा सा बैंड होके और अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ऐसे बैक को पूरा स्ट्रेच आप नीचे की तरफ कर दें और फिर ऊपर की तरफ स्क्वीज करें। Yeah.
इस एक्सरसाइज को भी लगाते वक्त आप स्टार्टिंग में नॉर्मल वेट से एक्सरसाइज स्टार्ट करें, उसके बाद जितना वेट आप हैवी लें उसके अकॉर्डिंग आप अपनी बेल्ट का यूज जरूर कर लें, बिकॉज सेफ्टी फर्स्ट, इंजरीज आपको ना हो। इसके बाद लगाएंगे हम अपनी रोइंग। रोइंग में हमें जो अपने बिल्कुल स्ट्रेट रखना है, अपनी जो बैक है उसको बिल्कुल स्ट्रेट, और आधे आगे जाते वक्त हमें अपनी बैक को पूरा स्ट्रेच करना है और पीछे पूरा खींच देना है अपनी बैक को, ना ज्यादा आगे की तरफ झुकना है, बिल्कुल स्ट्रेट, जो हमारी जो स्टार्टिंग पोजीशन है वो बिल्कुल ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट हो और मूवमेंट हो हमारी सिर्फ इतनी, ताकि हमारी पूरी बैक स्ट्रेच हो जाए। उसके बाद स्लो स्पीड में पीछे, फिर पूरी स्ट्रेच, ये थी हमारी रोइंग। अब हम लास्ट में परफॉर्म करेंगे हमारी पुल डाउन। तो पुल डाउन में हम स्टार्ट करेंगे हमारी फ्रंट से, होल्ड रखना हमें 1 सेकंड तक, अगर आप होल्ड कर सकें तो एक्सरसाइज और अच्छे से परफॉर्म होगी। ये थी हमारी लेट पुट डाउन फ्रंट। अब इसके बाद करेंगे हम बैक। तो बैक के लिए आपको पता होगा हमें अपनी बॉडी को आगे की तरफ झुकाना है और इस टाइप से हमें ये दोनों एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है, और फ्रंट के भी हमें 3 से 4 सेट लगाने हैं। अपनी रेपिटेशन रेंज 10-12 तक आप रख सकते हैं। इसी टाइप से आपको बैक में भी जो एक्सरसाइज लगा रहे हैं उसकी रेपिटेशन रेंज भी 10-12 और सेट आप 3 से 4 रख सकते हैं। इसके बाद एक एक्स्ट्रा एक्सरसाइज मैं आपको बताऊँगा। इस एक्सरसाइज के लिए आपको डंबल प्रेस वाली पोजीशन लेनी पड़ेगी, लेकिन आपको जो पूरा फील है वो बैक पे लेना पड़ेगा। जो अपने डंबल है वो अपने शोल्डर से थोड़ा सा पीछे और बैक को पूरा मूव। इस टाइप से हमें अपनी लास्ट एक्सरसाइज परफॉर्म करनी है। ये एक्सरसाइज मैं अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट के बाद 2 से 3 सेट इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करता हूँ। मेरे को इस एक्सरसाइज में अच्छा फील आता है। आप ये एक्सरसाइज परफॉर्म करके देखिए, आपको भी इस एक्सरसाइज से काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो गाइज ये थी आज का हमारा वर्कआउट। तो गाइज ये था हमारा आज का बैक का वर्कआउट, जिसमें हमने परफॉर्म की नॉर्मल डे से कुछ डिफरेंट एक्सरसाइज। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें, बिकॉज इसी से हमें मोटिवेशन मिलता है और अच्छे और अगले वीडियो बनाने का। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और शेयर करना ना भूलें। और साथ ही साथ आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट पर फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के लिए गाइस बस इतना ही। स्टे फिट, स्टे हेल्थी।